उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद होटलों और रिसोर्ट पर उठ रहे अनियमितताओं के सवाल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस होटलों और रिसोर्ट पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में होटल और रिसोर्ट में मिल रही अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि एसएससी पंकज भट्ट ने बताया, करीब 16 से 18 घंटे के विरुद्ध चालान और 10 होटल व रिसोर्ट भी सीज किया गया। वहीं कार्रवाई करते हुए कोर्ट के चालान भी काटे हैं। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने नैनीताल जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया वे अपने अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले होटल रिसोर्ट में चेकिंग करें, साथ ही अनियमितता पाए जाने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अगर देखा जाए तो टोटल अभी तक 10 होटल जो रिजॉर्ट हैं वो सीज किए गए हैं। इसके अलावा 19 पे जो है 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और 4000 व्यक्तियों का सत्यापन अभी तक हो चुका है।